more idiots who continue to violate the lockdown order, who continue to violate social distancing norms. There were a few BJP leaders also who were these COVID idiots who did not in fact follow the norms set out by the government. BJP netas all lined up to play their part as examples of being idiots of the nation, or COVIDiots as they are now called. They've been violating the lockdown measures and they've been making a mockery of the Prime Minister's appeal. First up is BJP MLA from Telangana, Raja Singh. Singh got out on the road with a horde of his supporters with torches in hand, chanting Chinese virus go back. Another incident has come to light where a BJP MLA from the Wardha district of the state on Sunday allegedly violated the lockdown norms. अगर बीमारी होगी तो भूख के मारे बीमारी नहीं होगी इन सबको बताइए आप ये कहां पे जाएंगे सब अलग-अलग प्रांत के हैं ना इनको छत छुपाने की जगह बारिश आए तो ना सोने की जगह सब ऐसे ही है बेचारे और इधर पुलिस मार दी है सर को रक्षा करो कहां तक ये भूखे प्यासे मर जाएंगे दुकानें बंद है पैसे भी नहीं जो खरीद के खा लेंगे कैसा बेटा भूखे पड़े बेटा The 21-day lockdown to contain the spread of coronavirus has left millions of Indians stranded, jobless and hungry. इस वक्त जब कोरोना की रिपोर्टिंग हो रही है सबसे टॉप ऑफ द माइंड जो लोगों के दिमाग में बिठाई गई है वो है जमात की स्टोरी और आधी अधूरी तो लोगों के कम्युनल बायस को खूब हवा दी गई है लोग और बहुत सारे लोग इसमें झूम रहे हैं ये जो मीडिया है वो एंटी पब्लिक मीडिया है एंटी पीपल है ये टेलीविजन का नेचर है कि टेलीविजन कभी भी गरीब के साथ खड़ा नहीं होता जमात नहीं होती तो अब तक हम कोरोना से जीत गए होते एक तो तबलीगी जमात ने पूरे देश में कोरोना का जैसा विस्फोट कर दिया है पाकिस्तान ने भारत में कोरोना की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक गहरी सोची समझी साजिश रची किस तरह से आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों में तबलीगी जमात की वजह से लगातार मामले बढ़े हैं लगातार राज्यों में 19 से ज्यादा राज्यों में जमातियों ने जाकर कोरोना फैलाया तबलीगी जमात ने अपना कहर दिखा दिया है और हिंदुस्तान का मुसलमान मस्जिदों में एकत्र होने से बाज नहीं आ रहा है दिस इस्लामिक कांग्रीगेशन has also at least effectively 3,000 corona suspects. क्या ये जानबूझ कर किया जा रहा है क्या एक षड्यंत्र है दिल्ली को इटली बनाने की षड्यंत्र है साजिश है क्या ये फाइनली राहुल दिस इज बायो आतंकवाद दिस इज बायो जिहाद आखिरकार मौलाना ने मौत क्यों बांटी हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे मुशर्रफ अली खान साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है तालिबानी जमात के मेरे साथ मुजाहिर रहमान साहब जुड़ेंगे ये भी मेंबर है तालिबानी जमात के फिरोजाबाद में चार तबलीगी जमाती कोरोना पॉजिटिव इन्हें लेने पहुंची मेडिकल टीम पर हुआ पथराव #फिरोजाबाद #जमात #covid19 @UP Police @फिरोजाबाद Police ये न्यूज फेक निकली हमारी नहीं यूपी पुलिस की सुन लीजिए आपके द्वारा असत्य एवं भ्रामक खबर फैलाई जा रही है जबकि जनपद फिरोजाबाद में न तो किसी मेडिकल टीम एवं न ही एम्बुलेंस गाड़ी पर किसी तरह का पथराव नहीं किया गया है आप अपने द्वारा किए गए ट्वीट को तत्काल डिलीट करें फिर आई अमर उजाला की खबर नॉन वेज न मिलने पर जमातियों ने फेंका खाना पता चला अमर उजाला की भी खबर फर्जी निकली हमारी मत सुनिए यूपी पुलिस की सुनिए
समाचार पत्रों, न्यूज चैनलों एवं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित की जा रही उक्त खबर पूर्ण रूप से गलत एवं असत्य पाई गई है। अतः सहारनपुर पुलिस उक्त प्रकाशित खबर का पूर्ण खंडन करती है। फिर आई ANI की खबर। Those in Sector 5, Harola, Noida, who came in contact with Tablighi Jamaat members have been quarantined. Sankalp Sharma, Gautam Budh Nagar, DCP, #COVID-19. Pata chala, ye bhi fake nikli. Hamari mat sunye, UP police ki sunye. ANI News UP, people who have come in contact with the positive cases were quarantined as per late procedure. There was no mention of Tablighi Jamaat. You are misquoting and spreading fake news. I saw Rahul Kanwal's reporting today that Targeted again went after the Muslim community. And again, he's not the only one doing it. And I thought it was absolutely important to really think about what all of this means. This idea of journalism as genocide and what that really means. And hopefully many of you would go on to think about these things, but also do things that actually challenge this kind of bigotry and hate. This is absolutely shameful that you should divide those victims of COVID-19, those who are exposed to COVID-19, based on religion, looking at them through a religious lens, grinding a communal axe during a pandemic in order to serve this government at the center instead of holding it accountable. Can you not see the health crisis? Can you not see hunger? Can you not see unemployment? Can you not see the desperation of people all around? And right now what you find to do an investigative story on is not investigate where are the masks, where are the PPE kits. You won't investigate what was India doing since January 30th. Why did Indian government not alert the people of this country about this pandemic? Why did the government of India and the governments of the world hide this pandemic? You won't ask that question. And instead, you're busy grinding your communal axe. Shame on you. And I wanted to use my voice here to say shame on you. And I hope that many others will do it. If they do not, history will judge them as well. History will judge everyone who's silent on this kind of hate-mongering masquerading as journalism today.